उनके पैरों की बैंड बजी है, कंधों की हालत खराब है। कब तक की रात होती है? मेरे ख्याल से 8 बजे से पहले तो यहाँ पर सूरज ढलना मुश्किल। दोस्तों अब हम पिस्टू टॉप से निकल चुके हैं और हम बढ़ रहे हैं जोजीबल की तरफ, और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं और सामने का भी नज़ारा आप देख सकते हैं। सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है कि हम लोग को अब उतरना है जिस तरीके से हम लोग पिस्टू टॉप की चढ़ाई चढ़े थे, जस्ट उसका अपोजिट हमें उतरना है। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगेगी अब उतरने में भी, एंड उसके बाद में फिर उतरने के बाद फिर चढ़ना है। चलिए चलते हैं पहले जोजीबल। ओ तेरी माया न जाने बाबा, हम हैं तेरे दीवाने रे बाबा, तेरे दीवाने रे भोले, तेरे दीवाने हम दीवाने, महादेव के हम दीवाने महादेव के। और बताइए आप लोग जी। सॉरी आशुतोष जी, ब्लॉग आप ही का शूट हो रहा है। बताने लायक कुछ नहीं है अभी, क्योंकि पैरों की बैंड बजी है, कंधों की हालत खराब है। जो कुछ भी खाया है वो बस अभी जितनी दूरी पे आए हैं, 300-400 मीटर जो भी चल के आए हैं उसमें सब बराबर हो गया। नज़ारा तो लेकिन अच्छा है, कहो कुछ भी आप। जो मस्ती में डमरू है बजाते उसके दीवाने, जो तांडव भयंकर है मचाते उसके दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा, हम है तेरे दीवाने रे बाबा, तेरे दीवाने रे भोले, तेरे दीवाने हम दीवाने महादेव के। तो दोस्तों अभी हम जोजीबल से 2 किलोमीटर पहले गए हैं और यहाँ पर आप झरना देख रहे हैं, बैक साइड में बहुत ही ज़बरदस्त झरना है दोस्तों। अब पता नहीं आपको वीडियो में उतना अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों आप जब सामने जिसको देखेंगे, इसके जो इसका क्या कहते हैं आवाज़ है, जो जिस तरीके से गिर रहा है पानी, बहुत ही ज़बरदस्त झरक रहा है। तो अब इस जगह से जोजीबल 2 किलोमीटर पे है, चलिए चलते हैं जोजीबल में चलते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर देखते हैं किस तरह के नज़ारे आते हैं, और ऐसे नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी फोटोज वगैरह क्लिक करवा लेते हैं फिर आगे चलते हैं। उसके दीवाने जो विश्व भी है पी जाते हम उसके दीवाने, जो कैलाश के राजा कहलाते उसके दीवाने, जो शमशानों में दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा, हम है तेरे दीवाने रे बाबा, तेरे दीवाने। बाहर के 3 बज रहे हैं और हम जोजीबल पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अभी भंडारा वगैरह चल रहा है, तो थोड़ी देर हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे, एंड उसके बाद फिर से वापस हम निकल लेंगे शेषनाग के लिए। महादेव के हम दीवाने। जो बेल पत्र से खुश हो जाते उसके दीवाने, जो दीन दुखियों के दुख को मिटाते उसके दीवाने, जो मन चाहा वरदे जाते उसके दीवाने, जो पार्वती नदी है कहलाते उसके दीवाने। ओ तेरी माया न जाने बाबा, हम है तेरे दीवाने रे बाबा, तेरे दीवाने रे भोले, तेरे दीवाने हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने। निकल
चुके हैं जोजीवल से, अब शेषनाग की तरफ। और शेषनाग तक पहुंचने के लिए हमें करीब 5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करना पड़ेगा और काफ़ी देर हो गई है, अभी इस समय 4 बज रहा है। हमको 5 किलोमीटर का ट्रैक जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा और पीछे मौसम भी ख़राब हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में, ये देखिए धीरे धीरे करके बादल आ रहे हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। दीवाने हम दीवाने, महादेव के हम दीवाने, ओ तेरी माया न जाने बाबा, हम है तेरे दीवाने रे बाबा। जो गंगा को सर से है बहाते उसके दीवाने, जो नाग को है गले सजाते उसके दीवाने, जो मस्ती में डमरू है बजाते उसके दीवाने, जो तांडव भयंकर है मचाते। तो अब हम पहुंच चुके हैं शेषनाग झील के पास में, मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं शेषनाग झील ये, और अब हमें शेषनाग तक पहुंचना है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे हमें शेषनाग मिल जाएगा जहाँ पर हमें स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि मे बी हमें वहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि रात हो जाती है और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमें आगे जाने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और वहाँ पर पहुँच करके टेंट या रूम जो भी मिलता है उस हिसाब से हम देख करके ले लेते हैं रूम वगैरह और फिर स्टे करते हैं, और फिर उसके बाद में मॉर्निंग का इंतज़ार करेंगे। मॉर्निंग में 4 बजे शायद फिर से छोड़ दिया जाए हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो राख पतन पर है रमाते उसके दीवाने, जो विष को भी है पी जाते हम उसके दीवाने, जो कैलाश। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए शेषनाग टॉप पर, मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, और वाकई में दोस्तों बहुत कठिन चढ़ाई है। अभी सिर्फ हम लोगों ने 13 किलोमीटर रन किया है, अभी लगभग 18-19 किलोमीटर और चलना है हमें बाबा की गुफा तक पहुंचने के लिए। तो देखते हैं अब क्या होता है, हमें यहां से आगे जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों अभी हम पहुंच तो चुके हैं शेषनाग टॉप पर, लेकिन दोस्तों अब यहां पर ठंड बढ़ना स्टार्ट हो गई है। अभी आप देख लीजिए, मैंने स्वेटर और मफलर वगैरह भी पहन लिया है, लेकिन उसके बाद भी मेरे हाथ जहाँ जहाँ खुला हुआ है वो हिस्सा एकदम ठंडा हो रहा है, मेरे हाथ एकदम अकड़ से रहे हैं ठंड की वजह से। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इस तरह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है लेकिन फिर भी हल्का सा यहाँ पर है। बाकी दोस्तों मैं कुछ दोस्तों का और इंतज़ार कर रहा हूँ और उसके बाद में फिर हम टेंट वगैरह लेंगे और वहाँ पर स्टे करेंगे, क्योंकि इससे आगे जाने की अभी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। और इससे आगे जाने के लिए जो गणेश टॉप है हमें सिर्फ वहाँ पर ही जा कर के स्टे मिलेगा, उससे पहले कोई स्टे नहीं मिलेगा। और उस टॉप पर जाने के लिए बड़ी हमको प्रॉब्लम होगी क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है वहाँ पर। और दोस्तों अभी यहाँ पर रात भी नहीं हुई है, अभी करीब 7 बज चुका है और आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं यहाँ पर आपको धूप देखने को मिल जाएगी। इधर साइड में आप देखिए, यहाँ पर आपको हल्की हल्की सी किरणें देखने को मिल जाएंगी सूरज की, और बैक साइड में देखिए आपको पूरी क्लियर धूप देखने को मिलेगी। देखते हैं कि कब तक की रात होती है, मेरे ख्याल से 8 बजे से पहले तो यहाँ पर सूरज ढलना मुश्किल ही है। माया न जाने बाबा, हम है तेरे दीवाने रे बाबा, तेरे दीवाने रे भोले, तेरे
दीवाने, हम दीवाने महादेव के, हम दीवाने, हम दीवाने महादेव। चलिए अब चलते हैं और स्टे करते हैं, टेंट वगैरह ले लें और उसके बाद में फिर देखते हैं, खाना पीना खा करके थोड़ा रेस्ट करेंगे, मतलब थोड़ा क्या, पूरी रात रेस्ट करेंगे।